इमें कही है अपने थोड़ा गोबर भी चाहेगा, क्योंकि ये आसानी से चिपक जाए, तो थोड़ा इतना गोबर ले ले, है ना। हाँ बस इतना गोबर, तो धीरे धीरे थोड़ा गोबर के बारीक करी करी डाल दे हमें, कि अपना ये जो PSB है एजिटोबैक्टर है नहीं, आसानी से चिपकी जाए। यानी गाँव तो अपना थोड़ा सूखा है, इसकी वजह से मैं चिपकेगा नहीं, तो इसका लिए अपने थोड़ा गोबर थोड़ा बारीक करी करी डाल, इन्हें तो लोंदा में ही डली जाएगा। डाल दो गोबर यहाँ से काट गया, और यो अपन कही है अब इसका बाद में अपन एजिटोबैक्टर डालेंगे, है ना। तो यो भी अपने 125 ग्राम डालना, ले यो यो हो गयो 125 ग्राम, है ना। अब अपना थोड़ा बचे भी गयो ना एजिटोबैक्टर, अब इनके मिले दे अच्छी तरह से अपने मिलाना है ना। कहीं मत तो मिलाने की कोशिश कर, हाँ जी ज़्यादा घसणो भी नहीं है, आराम आराम से मिले दे, आराम से मिल जाएगा। यो PSB को पैकेट है, इको मुख्यतः काम है, यो है फास्फोरस सेल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब जमीन में पड़ी हो फास्फोरस के अघुलनशील जो फास्फोरस है उसके घुलनशील अवस्था में लाए और पौधा के उपलब्ध कराए। ये 5 ग्राम पी है ना, तो चाहे PSB हो, एजेटोबैक्टर हो, या कोई भी राइजोबियम है, ट्राइकोडर्मा, उन सबको नियम यही है, 1 किलो बीज 5 ग्राम अपने PSB या जो भी है जीवाणु का दुखे ले लो, ठीक है। अब यो भी अपनो निकाल लो 125 ग्राम, 125 ग्राम के घटे थोड़ो हुई गो ले वो ग्राम है ने, और इनमें 25 ग्राम बची गयो, चल मिला एक है आसानी से धीरे धीरे मिल दे। अब इखे अपने गांव में मिलानो अच्छी तरह से धीरे धीरे, चल मिक्स कर। मिलेगी अच्छी तरह से, कहीं बोने में तकलीफ नहीं देगा, सीडिल में है या फिर तीसिया में तो नहीं फंसी जाए, नहीं पास देख ये तो हुई गयो है ना, आराम से मिल गयो। तो यो अब अपन बोनागा बोएंगा है ना, अब अपने उपचारित हो गया है ना, अब अपना बोने के लिए तैयार है।